सो आज हम बनाने वाले हैं पालक की सब्जी। तो पालक की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक अच्छे से साफ करके कट करके रखी है। उसके बाद थोड़ी सी लहसुन ली है, 11 से 12 मिर्च ली है, 2 बड़े चम्मच मूंगफली ली है, 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है। अब सबसे पहले हम मिर्च, लहसुन और मूँगफली को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। लगभग इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छे से पेस्ट बना ली है। आप देख सकते हैं कि पेस्ट कितनी स्मूथ हो गई है। बिल्कुल इस तरह से हमें इसकी पेस्ट बनानी है। अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है। जैसे ही पैन गर्म हो जाए हम इसमें लगभग 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगभग 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें पालक की सब्जी ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी पालक की सब्जी लगभग पक चुकी है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह सारी सब्जी को थाली में निकाल लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे और वो मसाला पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है। जैसे ही पैन गर्म हो जाए हम इसमें 3 से 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा हम इसमें वो सारे मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से वो सारे मसाले और सब्जी इसमें ऐड कर दिए और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे और 10 से 15 मिनट इसे पका लेंगे। तो लगभग 10 से 15 मिनट भी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी पालक की सब्जी लगभग पक चुकी है। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल इस तरह। तो आप देख सकते हैं हमारी पालक की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी सुपर टेस्टी पालक की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए मैंने इसमें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।